इस राइड के लिए भाई मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड ज्यादा हूँ। झारखंड का मतलब दूर के नजारे भाई क्लियर दिख नहीं रहे हैं। यहाँ से अभी आप सैया का व्यू देख सकते हैं भाई। यहाँ से अभी मेले के लिए जा रहे हैं और देख सकते हैं कितने लोग ऊपर। भाई साहब क्या खतरनाक नजारे इस तरफ। कोटिकनासर का बेस्ट प्लेस है, ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। सामने गाँव भी है भाई, ये देखो जरा कितना मस्त प्लेस पे है। फाइनली अभी हम मंदिर में पहुंच चुके, फाइनली यार अपना ड्रीम कम्प्लीट हो चुका है क्योंकि मेरी। तो भाई यार अभी मैं अपनी फर्स्ट लॉन्ग राइड के लिए रेडी हो चुका हूँ। इस राइड के लिए भाई मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये अपनी डेविल, तो इसी पर हम राइड करने वाले हैं, तो चलते हैं फिर। तो भाई अपना भाई भी आ गया है यहाँ पे, अब चलते हैं। तो भाई ये राइड अपनी विकास नगर से शुरू होती है, पेट्रोल भी भरवा लेते हैं ऐसे। कैसे हो भाई? 1200 रुपये कर देना। हवा वगैरह भी चेक करवा लेते हैं यहाँ से। तो आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि ये राइड कहाँ होने वाली है। तो भाई हम लोग जा रहे हैं हनोल, और अगर भाई आप देहरादून से अपनी राइड शुरू करते हो तो आपको अराउंड 171 किलोमीटर पड़ जाता है। अगर भाई आप विकास नगर से हनोल के लिए राइड करते हैं तो आपको अराउंड 140 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ जाती है। टोटल सब कुछ बढ़िया है, बट फॉग वगैरह भाई इतना ज्यादा छा रखा था, मतलब दूर के नजारे भाई क्लियर दिख नहीं रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं हरिपुर में भाई। ये आ गया यहाँ पर कालसी मार्केट, यहाँ से शुरू हो चुका है हिल्स वाला एरिया। थोड़ा सा मौसम खराब है, नहीं तो भाई नजारे इतने प्यारे आते हैं ना, मतलब भाई पूछो मत यार। तो भाई लोग अभी हम पहुंच चुके हैं भाई सैया मार्केट में। सैया से अभी हम लोग निकल गए अब, और ये देखो भाई, मतलब भाई सीधा घुस रहा है भाई। हम लोग चक्राता का जो मेन हाईवे है ना उससे नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं दूसरी तरफ से, जहाँ पर आज मेला है ना 3 मई का, तो उस तरफ से भी जाते हैं चक्राता के लिए। तो हम उसी साइड से जाएंगे। तो यहाँ पर ये सीधा जो आगे को जा रहा है ये चक्राता का ऑफिशियल हाईवे है, और इधर से भी जाता है, ये थोड़ा शॉर्टकट भी है। तो भाई लोग अभी हम सैया से लगभग 10-12 किलोमीटर आगे आ गए। तो भाई यहाँ से अभी आप सैया का व्यू देख सकते हैं भाई, क्या मस्त नजारा दिख रहा है भाई। यहाँ से पूरा सैया मार्केट दिख रहा है यहाँ से। ये रही भाई यहाँ पर अपनी बाइक, अभी यहाँ से भी निकलते हैं। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं जहां पर आज मेला है ना, वहां के स्टार्टिंग पॉइंट पे अभी हम पहुंच चुके हैं। 11:34 हो रहे हैं। तो भाई लोग यहां से अभी मेले के लिए जा रहे हैं, और इधर देख सकते हैं कितने लोग ऊपर जा रहे हैं मेले में। तो मेले में से आ गए हैं वापस, मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है, ये देखो भाई। यहां से अभी हमको अब हनोल के लिए निकलना पड़ेगा, यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो स्टिंग वगैरह पी रहे थे यहाँ से, एंड देन उसके बाद चलते हैं भाई सीधा। अभी हम एंटर हो चुके हैं चक्राता में, यहाँ पर चक्राता का मेन मार्केट, और काफी सारी गाड़ियां भाई फुल छपा छपा। विजिट टू चक्राता भाई लोग, आज का हमारा जो भाई नाइट आउट स्टे होगा वो हमारा मोरी होगा भाई साफ। सो गाइस यहां से भाई अभी व्यू जो नजर आ रहा है ना, मतलब भाई अल्टीमेट आ रहा है। इधर देखो नजारे भाई, क्या खतरनाक पहाड़ भाई, पूरा पत्थर ही पत्थर का ही है। इधर आप इधर देख सकते हैं भाई पूरा खराब है, मगर मौसम क्लियर होता ना भाई मजा आ जाता है व्यू का देखने का। भाई साहब लुक एट द व्यू गाइस, भाई साहब क्या खतरनाक नजारे इस तरफ। तो यार इधर साइड ना पूरे क्लाउड वगैरह हो रखे हैं। सामने हमको ना एक गांव दिख रहा है जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है भाई। यहाँ पर अभी हम लोग हैं लोखंडी में, और भाई यहाँ से ना मतलब अब त्यूनी के लिए रह गया है 60 किलोमीटर, एंड हनोल के लिए भाई यही है 70-75 किलोमीटर के लगभग रह गया है। और देखो जरा कितनी क्लीन है भाई, मतलब ऐसे जंगलों के बीच में और ऐसे बड़े बड़े पेड़, हालांकि मजा आ रहा है भाई राइड। अभी हम पहुंच चुके हैं कोटिकनासर में, एंड यहाँ पर ये कोटिकनासर का बेस्ट प्लेस है, पर कुछ लड़के लोग क्रिकेट वगैरह भी खेल रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं इस ग्राउंड में, लोकेशन है ना मतलब इतनी ज्यादा प्यारी है, बहुत प्यारी लोकेशन है। यहाँ पे कुछ भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और यहाँ पर देखो भाई क्या मस्त नजारे हैं। यहाँ पर सामने मंदिर भी है, एक ज्यादा बड़ा है, एक यहाँ पर है और एक ये वाला है, देखो कितना बड़ा है। ये देवदार की लकड़ी है शायद। यहाँ से चलते हैं हनोल के लिए, लेट्स गो। तो भाई यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे। तो भाई अभी हम कोटिकनासर से लगभग 10-12 किलोमीटर आगे आ गए हैं, पर अभी हम रुके हैं भाई यहाँ पर लंच के लिए, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हमारे लिए खाना लग चुका है, और अब फटाफट खाते हैं, दोनों उसके बाद चलते। तो भाई खाना वगैरह खा लिया, यहाँ पे हमने लंच वगैरह कर लिया, खाना बहुत टेस्टी था। अपना भाई थोड़ा स्लो खाता है, मैंने फिनिश कर दिया। हमारे को हनोल के लिए भाई काफ़ी डिस्टेंस है, 50-60 किलोमीटर के लगभग है ना। पर ये एरिया है, यहाँ पर हमने अभी लंच वगैरह करा, और मस्त लोकेशन है यार ये लोग। यहाँ पे अभी हमको 2 बज गए हैं, हमको थोड़ा सा फास्ट खींचना पड़ेगा, तो जितना जल्दी हम भाई पहुँच जाए उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि शाम को भाई मंदिर वगैरह बंद भी हो सकता है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं।
बिल्कुल क्लीन दिख गया है। एंड यहाँ पर भाई जो नज़ारा दिख रहा है ना ब्यूटीफुल है। अभी हमको जो नीचे भाई रोड दिख रहे हैं ना इस वाले रूट पे जाना है। अगर मौसम साफ होना तो यार नज़ारे बढ़िया दिखते हैं भाई। अभी आप लोकेशन देख रहे हैं, इस लोकेशन का नाम है रोटाखड़। सो दिस इज रोटाखड़ लोकेशन। एंड देखो भाई खतरनाक सी लोकेशन है। हो चुके हैं सावड़ा। ये हमारा राइडर चेंज हो चुका है, राइडर आ चुका है। ये देखो भाई मतलब बात भी तो ऐसे कर रहा है जैसे लड़ने के लिए जा रहा है। पर अभी हमको 3 बज गए हैं। हम हनोल से लगभग 20-30 किलोमीटर पीछे है भाई। यहाँ से जो नीचे का व्यू दिख रहा है ना बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। सामने गांव भी है भाई, ये देखो जरा कितना मस्त प्लेस पे है। और नीचे नदी है यहाँ पे, ये टोंस रिवर है शायद। देखो यार बिल्कुल मतलब बारिश जैसा बन रहा है। यहाँ पर ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं भाई ये है धाराघाट। होने से भाई लगभग 14-15 किलोमीटर पीछे है, मार्केट आ गया है धाराघाट का। ओहो रिएक्शन। फाइनली भाई अभी हम त्यूनी में पहुंच चुके हैं। ऐसा कुछ नजारा है भाई यहाँ पर। और मौसम इतना ज्यादा खराब हो रखा है ना भाई, अभी 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे 6-7 बजने वाले हैं भाई। हम लोग भाई एंटर हो चुके हैं त्यूनी के मेन मार्केट में और यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाता है भाई। तो भाई यहाँ पर अभी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, लग रहा भाई बारिश का मौसम बन रहा है। अब ये जो नीचे वाला एरिया देख रहे हैं ये भी त्यूनी है और पीछे जो था वो भी त्यूनी है। त्यूनी को करते हैं बाय बाय। और भाई यहाँ पर मंदिर का मेन गेट, वहाँ से अभी हम जाएंगे अब सीधा नीचे। अभी आप देख सकते हैं हनोल का पूरा एरिया और पीछे मंदिर भी दिख रहा है भाई। फाइनली यार हम पहुँच चुके हैं भाई हनोल में और अभी सीधा नीचे जा रहे हैं हम मंदिर की ओर। अभी हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अभी हमने अपनी बाइक वार कर दी है। अभी 4:11 हो रहे हैं, वासु महाराज के दर्शन करेंगे। तो भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे पहुँच के? बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। खास नगर से हम 10:30 चले थे और यहाँ पे पहुँच रहे हम 4:11 पे। अभी यहाँ पर हम मंदिर की ओर जा रहे हैं तो जूते वगैरह भाई यहाँ पर खोलेंगे अभी। तो भाई लोग फाइनली अभी हम मंदिर में पहुँच चुके हैं और अभी मंदिर में चल रही है भाई पूजा। तो अभी सबसे पहले पूजा वगैरह होने के बाद अब उसके बाद जाएंगे हम प्रसाद चढ़ाने के लिए, क्योंकि तब तक कोई भी अंदर नहीं जा सकता है और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे भाई आए हुए हैं। नगर से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 71 किलोमीटर है। तो बिल्कुल भी नहीं लगा भाई कि इतना डिस्टेंस हमने अपनी बाइक से कवर करा है। ऊपर से तो यहाँ पर बारिश वगैरह भी भाई अभी चल ही रही है। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। फाइनली यार अपना ड्रीम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मेरी काफ़ी टाइम से तमन्ना थी कि एक बार हम अपनी बाइक से राइड करेंगे हनोल मंदिर के लिए। तो फाइनली वो ड्रीम कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल भी नहीं लगा भाई ऐसा कि इतना दूर है, मतलब 171 किलोमीटर के डिस्टेंस है भाई हनोल के लिए विकास नगर से। और आकर ना भाई इतना सुकून मिल रहा है मतलब पूछो मत भाई। और तो भाई हनोल मंदिर से ऊपर साइड का व्यू देखो जरा आप यहाँ पर भाई, कितना ज़्यादा प्यारा है। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही ना, अलग ही लेवल की वाइब सारी भाई यहाँ पे। अभी तो यार अभी यहाँ पर 5:20 हो गया, अभी तक मंदिर के जो द्वार होते हैं वो खुले नहीं है। तो फिर से भाई अभी बूंदाबांदी शुरू हो गई। भाई लोग यहाँ पर ये जो दो आप पत्थर देख रहे हैं ना भाई, ये बहुत भारी चीज़ें होती है। लोग कोशिश कर रहे हैं उठाने की बड़े वाले पत्थर। अच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है तुमसे नाव पत्थर को, तो मुश्किल ही लग रहा है। सही खेल गया बैंच। भाई ने भी उठा लिया है बड़े वाला, वो थोड़ा सा और थोड़ा सा। फाइनली उठा लिया भाई, उठा लिया। हमने
मंदिर के दर्शन कर लिए यार। और मंदिर में भाई कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो अंदर का मैंने कुछ भी नहीं बनाया भाई। हनोल में हमको 6 बज गए एंड अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मोरी, और मोरी के लिए भाई यहाँ से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये वीडियो यार हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट में भाई जरूर जय वासुदेवता और जय भोलेनाथ या जय शंकर महाराज जरूर लिख देना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय मासुमा।